Good morning, dear students. Today here I discuss about that your chapter 6 Indian government in your SST book. So all students, firstly take out your SST book and open your chapter Indian government. Dear students, आज हम chapter 6 Indian government के बारे में discuss करेंगे. तो सभी बच्चे SST की book को open करिए और chapter को open करिए और read करते हैं. बच्चों, Indian government, what is Indian government? आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत सरकार के बारे में. इंडियन इट मीन दैट भारत, भारतीय गवर्नमेंट इट मीन दैट सरकार. ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, गवर्नमेंट की स्पेलिंग अच्छे से पहले राइट करेंगे, रीड करेंगे. ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है. पिक्चर स्टोरी को थोड़ा रीड करते हैं. बॉय कहता है, सी इंडियन इज सच अ ह्यूज कंट्री. बॉय कहता है, ये देखो भारत एक बड़ा कंट्री है. तो यहाँ पे जादू कहता है, यस इट इज़, इट हैज़ सो मैनी स्टेट. यस, या तो बड़ा कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट हैं. ओके तो फिर यहाँ पे गर्ल क्या कहती है, उदित इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स अक्रॉस सो मैनी स्टेट्स. कहते हैं उदित, यहाँ पे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए, उनके लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट पे आप बच्चों क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से भारत सरकार अपने स्टेट्स को लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा मैनेज करती है. ओके बच्चों, आसान शब्द में पहले समझेंगे. चलिए देखते हैं बेटा, इम्पोर्टेंस टर्म्स को रीड करिए. इंडियन गवर्नमेंट्स ऑपरेट्स एट थ्री लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको याद करते चलिए. भारत सरकार जो है वो तीन स्तरों पे काम करती है. कितने पर? तीन. इट मीन दैट थ्री ऑपरेट्स लेवल. कौन कौन से? सेंट्रल, स्टेट, लोकल. सेंट्रल मीन्स क्या होता है? केंद्रीय स्तर पे काम करती है. स्टेट इट मीन दैट राज्य स्तर पे काम करती है. लोकल इट मीन दैट स्थानीय स्तर पे काम करती है. तो ये आपका क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन है. इट मीन दैट भारत सरकार तीन स्तर पे काम करती है. कौन कौन से? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द थ्री पार्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मीन्स दैट डियर स्टूडेंट्स, विधायी, लेजिस्लेटिव मीन्स क्या होता है? विधायी. एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? कार्यपालिका. जुडिशरी मीन्स क्या होता है? न्यायपालिका. आर द थ्री पार्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. बच्चों, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका भारत सरकार के तीन पार्ट होते हैं. ओके नेक्स्ट टर्म क्या है? द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. और प्रेजिडेंट इट मीन्स दैट राष्ट्रपति जो होते हैं वो कंट्री के हेड होते हैं. आप सभी समझते हैं. नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट एंड गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इनसिक्योर प्रॉपर एजुकेशन ऑफ लॉज इन देयर स्टेट. गवर्नमेंट एंड मुख्यमंत्री, बच्चों अपने राज्य में कानूनों को उचित और निश्चयवादी सुनिश्चित ढंग से इसको अपने स्टेट में लागू करते हैं. नेक्स्ट क्या है? इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स बाई द इलेक्शन कमीशन. बेटा चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक 5 साल बाद भारत में चुनाव किया जाता है. ओके तो सभी बच्चे इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपने कॉपी में राइट करेंगे और वर्ड मीनिंग को भी अपने कॉपी में राइट करके लर्न करेंगे. ओके क्लास, फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स क्या होता है बच्चों? राजनीतिक दल, ग्रुप ऑफ पीपल विच विद कॉमन बिलीव्स. अपोजिशन मीन्स क्या होता है? विपक्ष. द पार्टी दैट डज नॉट विन अ मेजोरिटी इन द इलेक्शन. बच्चों जो बहुमत द्वारा नहीं जीतते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपोजिशन पार्टी कहते हैं. सो ऑल स्टूडेंट्स, आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स और वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है. ओके स्टूडेंट, एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर.